everyone, this is CA Swapnil from Elite Professional Academy. So welcome you all to our lecture number 5 on time value of money. Guys, yesterday we have completed all the problems from the class note with the exception of homework problems. 4th and 21st question homework tha. 4th question mein bahut sare bachcho ka mujhe message aaya tha ki unka answer tally nahi ho raha. Matlab maine aapko kaha tha ki answer should be B. But then there was a printing error guys. यहाँ पे 7% की जगह 7.5% होना चाहिए. ठीक है, तो ये वापस से प्रॉब्लम हम अभी सॉल्व कर लेते हैं. फोर्थ क्वेश्चन, विल रीड इट फर्स्ट. कपिल डिपॉजिटेड सम अमाउंट इन अ बैंक फॉर 7.5% नहीं सॉरी अगेन 7.5 years एट अ रेट ऑफ 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट. कपिल रिसीव्ड 1,01,500 एट द एंड ऑफ द टर्म. Compute the initial deposit of Kapil. So basically, आपको दिया हुआ है कि आज आप एक अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हो प्रिंसिपल. 7.5 years के बाद आपको 1,01,500 रुपीज मिलने वाला है, राइट? एंड देन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%. What should be the principal? So if you first write given information. Now here the only one point which you should remember is 7.5 years. Either we can take as it is or we can take 15 divided by 2. Or if you want to convert it into months, 90 divided by 12. वैसे तो जरूरत नहीं है क्योंकि in any way 7.5 years दिया हुआ है. Right, so we'll continue with the 7.5 years only. So here principal was missing figure, so we'll just apply the formula. Principal is equal to, sorry, amount is equal to principal into 1 plus RT upon 100. So 1,01,500 is equal to P into 1 plus 6 into 7.5 divided by 100. So this will be 1,01,500 is equal to P into 6 into 7.5 divided by 100 आएगा आपका 45 and then divided by 100 means 0.45. So this will be 1.45. So principal is equal to 1,01,500 divided by 1.45. Now it is coming to 70. Okay, so just एक printing error था जो rectify करना है. 7.5 year उसको कर दो. Okay, चलिए 70,000 answer आएगा B. Hope you have written this. सिर्फ थोड़े बच्चों का मुझे मैसेज आया था कि आंसर डिफरेंट आ रहा है. बाकी के बच्चों ने क्या होमवर्क नहीं किया था क्या? गाइस डू कंप्लीट द होमवर्क. फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया आपने. चलिए नाउ 21st क्वेश्चन एक होमवर्क था आपके लिए. फर्स्ट वी विल कंप्लीट दैट एंड देन वी विल कंटिन्यू विद द मॉड्यूल क्वेश्चन. ओके, 21st क्वेश्चन, विल रीड इट फर्स्ट ऑफ ऑल. अ पर्सन deposited a sum of rupees 10,000 in a bank. After 2 years, he withdrew rupees 4,000 at the end of, after 2 years, he withdrew 4,000 and at the end of 5 years, he received an amount of 7,900. Then the rate of simple interest is. Bacho, kin bacho ko ye answer sahi se aaya tha? Answer was 5%. कितने बच्चों का 5% सही आया था? होपफुली यू वुड हैव गॉट द आंसर करेक्ट, बट दोज हु हैव नॉट गॉट, वी विल डिस्कस दिस प्रॉब्लम एंड देन वी विल कंटिन्यू विद द मॉड्यूल क्वेश्चंस. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हमें किस तरह से सॉल्व करना है. पहले तो क्वेश्चन समझो क्या दिया है आपको. मैं इसको रब कर देता हूं पहले.
21st क्वेश्चन, हमने 10,000 रुपए डिपॉजिट किया था, 2 साल के बाद हमने विड्रॉ किया 4,000 रुपए, ठीक है, एंड 5 साल के बाद हमने टोटल अमाउंट विड्रॉ किया 7,900। 21st प्रॉब्लम, हमने प्रिंसिपल डिपॉजिट किया था 10,000, आफ्टर 2 ईयर्स वी विड्रॉ अमाउंट 4,000। इसका मतलब रिमेनिंग पीरियड के लिए, मतलब फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, मतलब टोटल कितना ईयर होगा, 7th ईयर, राइट, एट द एंड ऑफ द 5 ईयर, क्या आगे 5 ईयर्स, ओके, एट द एंड ऑफ द 5 ईयर्स मतलब आगे जाके 3 ईयर्स, हमने विड्रॉ किया 7,900। ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू आर नॉट सॉल्व्ड डोंट राइट इट, जस्ट वट वी कैन से अंडरस्टैंड वॉट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। हमने 10,000 रुपए शुरुआत में डिपॉजिट किया, जो अमाउंट विड्रॉल है दैट वी कैन से इज द अमाउंट, राइट, जैसे सिंपल एक अज्यूम करो कि आपके बैंक अकाउंट में आपने 10,000 रुपए डिपॉजिट किया हुआ है, एंड जब आपने विड्रॉ किया 4,000 रुपए, 7,900 रुपए आपने विड्रॉ किया, तो 7,900 प्लस 4,000 कितना हुआ, 11,900। मीन्स वेन यू आर डिपॉजिटेड द अमाउंट, यू आर डिपॉजिटेड 10,000, ओके, एंड जब आपने विड्रॉ किया अमाउंट, आपने विड्रॉ किया 11,900 विच इज 4,000 प्लस 7,900। इसका मतलब जो आपको एक्स्ट्रा मिला वो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज 1900, दिस इज द टोटल इंटरेस्ट गाइज, 5 साल में आपको टोटल इंटरेस्ट मिला है 1900। इसके बेसिस पे हम डायरेक्टली रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल चेंज हो रहा है। प्रिंसिपल कैसे चेंज हो रहा है, पहले 2 साल के लिए प्रिंसिपल कितना था आपका, 10,000 रुपए, बाद में एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर जब आपने 4,000 विड्रॉ किया तो आपके अकाउंट में कितने पैसे बचे, 6,000, एंड ऑन दिस 6,000 यू विल बी रिसीविंग इंटरेस्ट फॉर द नेक्स्ट हाउ मेनी ईयर्स, 3 ईयर्स। आर यू ऑल गेटिंग गाइज, सो हियर दिस टोटल इंटरेस्ट इंक्लूड्स, ब्रैकेट में लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन 10,000 फॉर 2 ईयर्स प्लस इंटरेस्ट ऑन 6,000। अभी 6,000 कैसे आया, 10,000 में से 4,000 हमने विड्रॉ किया फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स, ठीक है, ये हो गया आपका टोटल इंटरेस्ट। सो व्हाट यू कैन डू, फर्स्ट 2 ईयर्स विल कंसीडर, फर्स्ट 2 ईयर्स प्रिंसिपल कितना था, 10,000, टाइम 2 ईयर्स, रेट को हम आर मान के चलेंगे, ठीक है, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या हुआ, प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, दैट इज 10,000 इंटू आर इंटू 2 अपॉन 100, राइट, सो दिस विल बी 200 आर, ओके, समझ में आ रहा है दोस्तों आपको, मैंने क्या कैलकुलेट किया आप यहां पे, ये जो फर्स्ट 2 ईयर्स है उसका इंटरेस्ट आ रहा है आपका 200 आर, जो है 10,000 के ऊपर, 10,000 के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि हमें मालूम नहीं है इसलिए हमने आर रखा है, ठीक है, 2 साल के लिए हमने कैलकुलेट किया। फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स बी लिखेंगे हम इसको, फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स, फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स नाउ प्रिंसिपल विल बी 6,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम आर ही कंसिडर करेंगे क्योंकि हमें वही तो कैलकुलेट करना है, देन टाइम 3 ईयर्स, तो आगे के 3 साल के लिए इंटरेस्ट कितना होगा, अगेन सेम सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू
6000 into R into 3 upon 100. So this will be 2 cancel ho gaye. So 16 to 3 180 180 R, right? Isko hum first मान के चलेंगे फर्स्ट कैलकुलेशन एंड इसको सेकंड कैलकुलेशन. ठीक है, तो आगे के 3 साल के लिए 6000 रुपए के ऊपर आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 180 R. गाइस कैन आई से कि 200 R प्लस 180 R विल बी द टोटल इंटरेस्ट, एंड टोटल इंटरेस्ट तो मालूम है आपको 1900, सो वी कैन इक्वेट दैट. सो नेक्स्ट वर्किंग सीरियल नंबर सी, टोटल इंटरेस्ट पहले 2 साल के लिए 200 R एंड आगे के 3 साल के लिए 180 R, दैट इज 380 R, एंड दिस वी विल इक्वेट विद द 1900, क्योंकि 1900 तो हमें ऑलरेडी मालूम है टोटल इंटरेस्ट रहेगा, क्योंकि टोटल हमने विड्रॉ कितना किया 11900, टोटल डिपॉजिट कितना किया था इनिशियली 10,000, राइट? सो बेसिकली इट इज 380 R इज इक्वल टू 1900, सो R इज इक्वल टू 1900 डिवाइडेड बाय 380, सो R इज इक्वल टू 5%. होप सो यू हैव अंडरस्टूड दिस. सो व्हाट यू कैन डू इज नाउ यू कैन राइट, इसको पूरा अच्छे तरह से लिखो, ये आप लिख सकते हो फर्स्ट पार्ट. सो जस्ट कॉपी पेस्ट गाइज प्रॉपरली, ये एग्जांपल लिख लो. होप सो यू ट्राइड इट फर्स्ट ऑफ ऑल. अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% आ रहा था, देन योर आंसर इज करेक्ट, देन यू आर ऑन राइट ट्रैक दैट यू कैन सॉल्व एनी एग्जाम्पल गिवन इन योर एग्जाम ऑन सिंपल इंटरेस्ट. इसको हम ऑप्शन के साथ चेक भी कर सकते हैं. वैसे व्हाट वी कैन डू इज जो आपको आंसर दिया हुआ है पॉइंट नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 6%, कैलकुलेट 10,000 के ऊपर 6% 2 साल के लिए, 6,000 के ऊपर 6% 3 साल के लिए, टोटल इंटरेस्ट अगर 1900 आ रहा है तो देन आंसर इज करेक्ट. बी आंसर में 5% से कैलकुलेट करके देखो, टोटल इंटरेस्ट आपका 1900 ही आएगा, ऑब्वियसली दैट शुड बी द आंसर. रिटन दिस मच. नाउ फर्स्ट वर्किंग फर्स्ट 2 इयर्स के लिए सिंपल इंटरेस्ट वी आर राइटिंग इट एज 200 R. Written the next 3 years simple interest will be 180 R. 2 साल के लिए 200 R and 3 साल के लिए 180 R. So third total interest ऑलरेडी हमने फर्स्ट स्टार्टिंग में लिखा था, टोटल इंटरेस्ट 1900 है, सो दिस विल बी इक्वल टू, ये इस तरह से लिखेंगे हम इसको, लिख लो इतना. रिटन तो आपका आंसर आना चाहिए था ऑप्शन नंबर बी, सो टिक दैट. ओके, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड विद ऑल एग्जांपल्स फ्रॉम द क्लास नोट्स. नाउ वी विल कंटिन्यू विद द मॉड्यूल क्वेश्चंस. ओके, ये चार्ट तो हम बाद में एक समरी चार्ट बना लेंगे पूरा. हमने ये तो डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन, व्हाई इंटरेस्ट इज पेड, इफ यू रिमेंबर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इन्फ्लेशन, लिक्विडिटी प्रेफरेंस, ये हमने सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हुए थे ऑलरेडी.
इंटरेस्ट का टर्म, प्रिंसिपल मतलब क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक्युमुलेटेड अमाउंट या बैलेंस हमने डिस्कस किया हुआ था। सिंपल इंटरेस्ट हम अभी फिलहाल डिस्कस कर रहे हैं। सो प्रॉब्लम, सिंपल इंटरेस्ट कैन बी कंप्यूटेड बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला। तो उन्होंने क्या किया है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू आई कंसीडर किया फॉर इंटरेस्ट एंड टी कंसीडर करें। व्हाट वी आर डूइंग इज सिंपली वी आर कैलकुलेटिंग सिंपल इंटरेस्ट एज प्रिंसिपल इनटू, इंस्टेड ऑफ आई वी आर यूजिंग आर इनटू टी एंड देन वी आर डिवाइडिंग बाय 100। बेसिकली वो जो आई कंसीडर कर रहे हैं, सपोज 9% हो, तो व्हाइल वी आर कैलकुलेटिंग हम 9 लेके डिवाइड बाय 100 कर रहे हैं, मॉड्यूल में डायरेक्टली 0.09 लिया हुआ है। बहुत बार गलती होती है यहाँ पे, सपोज यहाँ पे 10% दिया हो तो वी टेक 0.10, राइट, लेकिन 9% हो तो बच्चे 0.9 डायरेक्टली लेते, 0.9 नहीं होना चाहिए, वो 0.09 होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली कैलकुलेशन अगर आप कर रहे हो तो गलती होने की पॉसिबिलिटी है, इसलिए मैंने देते टाइम आपको आर बाय 100 सेपरेटली दिया हुआ है। डायरेक्टली आप डेसिमल में इंटरेस्ट मत लो, 9 अगर हो तो 9/100 ही लो, सिंपल कैलकुलेशन से हम जाएंगे, डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं करेंगे, ठीक है। अदरवाइज द फॉर्मूला इज सेम, बेसिकली ओनली जो टर्म्स है वो उन्होंने डिफरेंट यूज किया हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, देन ओके, डायरेक्टली वी कैन स्टार्ट विद द एग्जांपल। फॉर्मूले तो हमने सारे डिस्कस कर लिए, फर्स्ट एग्जांपल तो बहुत ही सिंपल है, तो इसलिए फर्स्ट एग्जांपल को होमवर्क मार्क करो, ठीक है, और आप क्या करोगे, सेकेंड एग्जाम्पल को भी होमवर्क मार्क करोगे। वैसे तो उसका सोल्यूशन दिया हुआ है, लेकिन फर्स्ट will be solving it. Third example is also homework. The first three questions are homework for today. Now we will read fourth question. Example number fourth. Sachin deposited 1 lakh in his bank. मतलब ये principal हुआ, in a bank for 2 years at a simple interest of 6%. How much interest would be earned and what will be the final value of deposit? तो यहां पे आपको दिया हुआ है कि सचिन ने प्रिंसिपल 1 लाख रुपए डिपॉजिट किया हुआ है, ठीक है, 2 साल के बाद उसको विड्रॉ करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है आपको, 6%। तो बेसिकली सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट क्या रहेगा एंड फाइनल वैल्यू ऑफ डिपॉजिट, मतलब यहां पे अमाउंट क्या रहेगी। दिस टू क्वेश्चंस आर बीन आस्क्ड, गिवन इंफॉर्मेशन इज प्रिंसिपल 1 लाख आर 10% टाइम 2 इयर्स। जस्ट अप्लाई करना है हमें फॉर्मूला, मेरे साथ आप सॉल्व कर लो। फर्स्ट वर्किंग हम दिखाएंगे कैलकुलेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। Here it will be simple interest is equal to PRT divided by 100. So principal कितना है अपना, 1 लाख into rate 6 into 2 divided by 100, right? कितना आएगा, 12,000। Obviously, 1 साल के लिए 6% से मतलब 6,000, 2 साल के लिए कितना आएगा, 12,000 रुपए। एंड बी आपको फाइनल वैल्यू ऑफ डिपॉजिट भी पूछा है, गाइस जैसे कि मैंने आपको कहा था टाइम वैल्यू ऑफ मनी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 14 मार्क्स वेटेज है, इसलिए हमें क्लास नोट प्रॉब्लम सारे के सारे मॉड्यूल क्वेश्चन एंड सारे के सारे एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, सो हियर मॉड्यूल क्वेश्चन इवन इट इज सॉल्व्ड, आई एम सॉल्विंग विद यू सो दैट आई वांट यू टू प्रैक्टिस इट विद मी। ओके, सो फाइनल वैल्यू ऑफ डिपॉजिट मतलब अमाउंट ही। नाउ यू ऑलरेडी नो अमाउंट, मतलब एक तो हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते प्रिंसिपल इंटू 1+RT डिवाइडेड बाय 100, या अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। यहाँ पे तो हमें प्रिंसिपल भी मालूम है, इंटरेस्ट भी मालूम है, तो ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं वैसे, तो डायरेक्टली हम प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कर लेते हैं। सो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इज 1 लाख प्लस इंटरेस्ट वी हैव कैलकुलेटेड इज 12,000, सो टोटल हुआ 1,12,000, दिस विल बी द अमाउंट। ओके,
तो यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन तो दिया नहीं है, 12,000 ये अपना करेक्ट है एंड ये 1,12,000. सो अगर आपने मेरे साथ नहीं लिखा हो, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन राइट इट. पहले तो मैंने टाइमलाइन पे लिखा हुआ है, देन आई हैव गिवन इन्फॉर्मेशन एंड देन इन पॉइंट नंबर ए वी हैव कैलकुलेटेड सिंपल इंटरेस्ट एंड पॉइंट नंबर बी वी हैव कैलकुलेटेड फाइनल वैल्यू ऑफ डिपॉजिट. बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल था, लिख लो इफ यू आर नॉट रिटन. होप सो नाउ यू आर एबल टू सॉल्व सम एग्जाम्पल्स ऑन सिंपल इंटरेस्ट गाइज. अभी तो वैसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमें स्टार्ट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट, बट देन एटलीस्ट नाउ सिंपल इंटरेस्ट इट वुड बी अपियरिंग, द प्रॉब्लम्स आर वे मच सिंपलर, राइट. रिटन, सो दिस वॉज फोर्थ एग्जाम्पल. चलिए फिफ्थ एग्जाम्पल, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द अमाउंट ओड आफ्टर 6 months इज 1050, बोरोड अमाउंट बींग 1000. सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहले तो आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए गाइज. यहां पे लिखू, यहां पे लिखता हूं. क्वेश्चन में क्या दिया है, आपने आज कितना अमाउंट बोरो किया है, 1000 रुपये. 6 months के बाद आपको रिपे कितना करना है, 1050. कैलकुलेट क्या करना है आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट. रीड इट अगेन, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट. रेट हमें कैलकुलेट करना है, ओड आफ्टर 6 months, इसलिए हमने टाइम 6 months का लिया हुआ है. अमाउंट ओड आफ्टर 6 months इज 1050, मतलब 6 months के बाद आपको 1050 रिपे करना है. एंड बोरोड अमाउंट मतलब आज आपने कितना बोरो किया है, प्रिंसिपल 1000 रुपए, ठीक है. तो जस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है हमें. तो हियर 6 months दिया हुआ है, एज यू ऑलरेडी नो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑलवेज कोटेड इन पर एनम बेसिस. तो आपको जो टाइम है वो भी एनम बेसिस पे ही लेना होगा. सो टाइम वी विल कंसिडर, 6 months मीन्स कैन आई राइट 6 by 12 years, एंड 6 by 12 years मीन्स हाफ ईयर. आपको तो मालूम है 6 months मतलब क्या, हाफ ईयर. सो वाइल यूजिंग इन द फॉर्मूला विल बी यूजिंग हाफ ईयर. पहले तो हम फॉर्मूला लिख लेंगे. सो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू 1 + RT/100. अमाउंट वाज 1050, प्रिंसिपल इज 1000, 1 + R हमें मालूम नहीं, एंड टाइम इज 1/100, राइट. सो दिस 1000 विल कम ऑन लेफ्ट हैंड साइड, इट विल बिकम डिवीजन. सो 1.050 इज इक्वल टू 1 + 1/2 को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, 2 तो इन एनी वे डिनोमिनेटर में रहेगा. सो दिस 1 विल कम ऑन लेफ्ट हैंड साइड, इट विल बिकम 0. या मैं लिख लेता हूं पूरा, 1.050 - 1 इज इक्वल टू R/200. दैट इज 0.050 इज इक्वल टू R/200. सो देयरफॉर R इज इक्वल टू 200 × 0.050. सो R आपका आ रहा है 10%. वैसे तो आप ओरली भी कैलकुलेट कर सकते थे गाइस, क्योंकि ऑप्शंस आपको दिया रहेगा, ठीक है. ये तो अभी सॉल्व करने के लिए है, ऑप्शन को आपको दिया रहेगा. 50 rupees इंटरेस्ट मिल रहा है आपको 1000 के ऊपर. सिंपल अगर 10% से कैलकुलेट करो तो 100 आएगा, 100 का हाफ 50 rupees आएगा 6 months के लिए. तो 50 rupees इंटरेस्ट आ रहा है, मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट शुड बी 10%. बट देन एज वी हैव टू सॉल्व इट एंड राइट इट इन योर नोटबुक. आप स्टडी मॉड्यूल का सेपरेट पार्ट कर रहे हो ना, आइदर सेपरेट बुक अपने डाली होगी, नहीं तो आपके क्लास नोट्स में सेपरेट पार्ट करो. मतलब क्लास नोट्स के प्रॉब्लम का कलेक्शन एक जगह होना चाहिए एंड देन स्टडी मॉड्यूल का प्रॉब्लम एक जगह होना चाहिए, ठीक है. The only thing is that कि revision के time आपको confusion नहीं होना चाहिए. So first write it down. And when you are watching this video, each problem try to solve it yourself, guys. आप video pause करके पहले solve करो and then check with the answers. So let's proceed. R आपका 10%
लिखा आपने, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन अपना हो गया। नाउ सिक्स क्वेश्चन, 10% तो है, 6%। राहुल इन्वेस्टेड 70,000 इन अ बैंक एट रेट ऑफ 6.5% सिंपल इंटरेस्ट। ही रिसीव्ड 85,925 एट द एंड ऑफ द टर्म। फाइंड आउट द पीरियड फॉर विच सम वॉज इन्वेस्टेड बाय राहुल। इफ यू रिमेंबर गाइज, वेन एवर यू हैव टू कैलकुलेट आर एंड टी, देर वॉज वन शॉर्टकट मेथड, आर टी इज इक्वल टू 100, आर टी इज इक्वल टू 200। ये शॉर्टकट कब आप यूज कर सकते हो? अगर अमाउंट डबल हो रही है या अमाउंट ट्रिपल हो रही है, अमाउंट फोर टाइम्स हो रही है, एंड सो ऑन, राइट। लेकिन यहाँ पे आपकी प्रिंसिपल कितनी थी? 70,000। अमाउंट कितनी है? 85,925। तो यहाँ पे ना ही डबल ट्रिपल कुछ हो रहा है। इन दिस केस वी कैनॉट अप्लाई दैट शॉर्टकट मेथड। यहाँ पे हमें नॉर्मल मेथड से ही कैलकुलेट करना होगा। नॉर्मल मेथड मतलब क्या? राइट डाउन द गिवन इन्फॉर्मेशन, यही पे मैं सॉल्व कर लेता हूँ, तो राइट हैंड साइड में सॉल्व कर लेता हूँ। प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 70,000, अमाउंट 85,925 दिया है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.5, एंड टाइम इज द थिंग विच वी नीड टू कैलकुलेट। सो जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला। One plus 6.5 t divided by 1. So this will come on left hand side, it will become division. 85,925 divided by 70,000. So this is coming to 1.2275. And this is equal to 1 plus 6.5 t divided by 100. जब आप solve कर रहे हो तो आप properly method भी समझ लो कि किस तरह से solve करना है आपको। किसी भी कैलकुलेशन में स्टकअप नहीं होना आपको, ठीक है। सो नाउ डोंट कंसिडर योर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड कैलकुलेट ऑल द थिंग्स इन टी। बेटर जो टी टर्म्स में साइड में रखेंगे एंड अदर नंबर्स विल कन्वर्ट और कैलकुलेट द रिमेनिंग थिंग। सो वन जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस होगा, सो इट विल बी 0.2275 इज इक्वल टू 6.5 टी डिवाइडेड बाय 100। इट विल बी 6.5 टी इज इक्वल टू 22.75। How 22.75? 100 जब लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन होगा, राइट। T इज इक्वल टू 22.75 डिवाइडेड बाय 6.5। T आ रहा है आपका 3.5। सिंपल सा कैलकुलेशन था लेकिन हमें सॉल्व करना भी है, बस इतना ही है, लिख लो। What you can do is just you can pause the video and then write it down. Okay? In any way, module mein toh solution hai aapke. But still, I want that you should be solving it simultaneously. So time should be 3.5. Okay? Example number 7. Kapil deposited some amount in a bank for 7.5 years at a rate of simple interest 6%. He received 1,01,500 at the end of the term. Compute the initial deposit. Ye toh same example hai apna. Solved class notes problem number 4 jo homework ke liye diya tha. Yehi se mujhe samajh mein aaya ki printing error tha. 7.5 hona chahiye tha, but then printing ke time us half ki jagah percent mein print hua tha. Theek hai? To ye aaj hi humne solve kiya hai problem number 4. Chaliye problem number 8 dekhte hain. A sum of 46,875 was lent. Lent मतलब क्या? Loan given. ठीक है? Loan आपने दिया हुआ है. 46,875 आपने loan दिया. Out at simple interest. ठीक है? And at the end of 1 year 8 months. तो time कितना है? 1 साल 8 months के बाद. The total amount was 50,000. मतलब जो आपने 46,875 दिया है, उसके अगेंस्ट आपको 50,000 मिल रहा है, तो इंटरेस्ट अमाउंट तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंट पर एनम। नाउ दिस यू कैन कैलकुलेट बाय टू मेथड्स। एक तो इंटरेस्ट कितना होगा आपका,
50,000 बाय माइनस 46,875। चलिए लिख लेते हैं प्रॉपरली इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट डाउन द गिवन इंफॉर्मेशन। प्रिंसिपल कितना है 46,875, अमाउंट कितना है 50,000। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टाइम, 1 year एंड 8 months। गाइज कैन आई राइट दिस 1 year एंड 8 months एज 1.8 years? कैन आई राइट सो? द आंसर इज नो, हम ये लिख नहीं सकते। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स मेकिंग द एरर इन दिस। जब भी 1 साल एंड 8 months होंगे, बेसिकली इट इज नॉट 1.8 years, ओके? क्योंकि मंथ्स अपने कितना है, 12 months है। सो आइदर यू कैन राइट 1 year एंड 8.12 months, या सिंपल क्या कर सकते हम, विल कन्वर्ट होल थिंग इन मंथ्स। 1 साल में कितने मंथ्स होते हैं, 12 months, एंड देन दिस प्लस 8 months, सो टोटल कितना हुआ, 20 months। तो जो टाइम दिया है आपको 20 months में दिया हुआ है। नाउ दिस 20 months, इफ आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस इन ईयर, सिंपली आई कैन राइट 20 months डिवाइडेड बाई 12, ठीक है? तो बेसिकली हम क्या करेंगे, ये जो टाइम दिया है 1 year एंड 8 months, इसको हम 20 months में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज 20/12 year। You already know whenever the months has been given to convert it into months, sorry, to convert it into year, we have to divide by 12. This problem is सबसे important adjustment ही थी guys. Remaining all things are simple. So what we can do? एक तो आप पहले interest calculate कर सकते हो। Interest कैसे calculate करोगे? Amount minus principal. 50,000 minus 46,875. तो कितना आएगा? 3,125। एक बार कैलकुलेट करके देखो, 3,125 इंटरेस्ट आ रहा है आपका, ठीक है? ऑब्वियसली ये सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट यू ऑलरेडी नो, प्रिंसिपल इनटू आर इनटू टी डिवाइडेड बाय 100, तो 3,125 इज इक्वल टू 46,875 इनटू आर, वी डोंट नो, टाइम इज 20/12 एंड ईयर इट इज 100, राइट? सो बेसिकली दिस बिकम्स 3,125 इंटू 100 इंटू 12, ये जो डिनोमिनेटर है लेफ्ट हैंड साइड में लेके मल्टीप्लाई कर रहा हूं, एंड दिस 46,875 इंटू आर इंटू 20, देयरफॉर आर इज इक्वल टू, अब ये 46,020 लेफ्ट हैंड साइड में जब आएंगे तो डिवीजन होगा, तो 3,125 इंटू 100 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 46,875 इंटू 20, ठीक है? डायरेक्टली कैलकुलेट कर लो, ये हम कैंसिल कर सकते हैं, 3,125 इंटू 5 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 46,875, तो आर आना चाहिए 4%। जस्ट चेक वेदर इट इज 4%, राइट? इट इज 4%। नेक्स्ट पेज पे आंसर 4% इज करेक्ट। एक तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, मतलब इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया एंड देन बाय यूजिंग द फॉर्मूला फॉर इंटरेस्ट वी हैव कैलकुलेटेड द रेट। पहले तो अगर आपको ये लिखना है, फर्स्ट राइट इट डाउन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट ये है दोस्तों कि आपको जो टाइम दिया है वो प्रॉपरली लेना है, ये चीज आप समझ लो। रिमेनिंग पार्ट इज सिंपल। हैव यू रिटन? गाइस, इसका आप एक और मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे। मेथड वैसे कुछ अलग नहीं है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग सिंपल इंटरेस्ट वी कुड हैव यूज्ड द फॉर्मूला फॉर अमाउंट, दैट इज डायरेक्टली ए इज इक्वल टू पी इनटू ब्रैकेट 1 प्लस आरटी अपॉन 100। सो अमाउंट कितना है आपका, 50,000 इज इक्वल टू 46,875 1 प्लस आर
इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 12 राइट. दिस 46875 विल कम ऑन लेफ्ट हैंड साइड, इट विल बिकम डिवीजन. सेम कैलकुलेशन, अलग मेथड. अलग मेथड मतलब अमाउंट के फॉर्मूले से कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूं. 50,000 डिवाइडेड बाय 46875, दिस विल बी 1.06667 इज इक्वल टू 1+20 आर अपॉन 1200. 1 जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो डिवीजन होगा. 0.06667 इज इक्वल टू 20 आर अपॉन 1200. तो 1200 लेफ्ट में जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन होगा एंड 20 डिवीजन होगा. सो आर इज इक्वल टू 0.0667 इंटू 1200 डिवाइडेड बाय 20. कैलकुलेट करके देखो. इट इज कमिंग टू 3.99999, दैट इज 4%. सो आप इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो. तो अगर आपको इंटरेस्ट फॉर्मूला यूज नहीं करना है तो अमाउंट फॉर्मूला से अभी आप कैलकुलेट कर सकते हो. ओके, आई गेस वी हैव रिटन दिस मच. चलिए नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं. अभी एट प्रॉब्लम में होप सो कि कोई आपको दिक्कत नहीं है. नाइन्थ क्वेश्चन, what sum of money will produce 28,600 as an interest in 3 years and 3 months at a simple interest of 2.5%? simple interest, ye problem similar problem humne solve kiya tha guys. dosto ek second mein check kar leta hu. ji ha, humne ye same example solve kiya hai. aapke class notes mein agar aap problem number 7 dekho, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हमने सॉल्व किया हुआ है ऑलरेडी. ओके, सो दिस प्रॉब्लम ऑलरेडी वी हैव सॉल्व, सो अगेन वी विल नॉट सॉल्व इट. नेक्स्ट एग्जांपल, 10th. इन व्हाट टाइम 85,000 विल प्रोड्यूस अमाउंट टू 157 एट 4.5%. ये भी क्वेश्चन मुझे लगता है हमने सॉल्व किया हुआ है, सिमिलर क्वेश्चन. लेट मी जस्ट चेक. जी हाँ, अगर आप आपके क्लास नोट्स का एग्जाम्पल नंबर 10 देखो, आई गेस दिस इज द सेम एग्जाम्पल. ओके, एक बार देख लेते हैं. जी हाँ, ये हमने सॉल्व किया था. ये देखो 10th एग्जाम्पल सेम है, तो ये आपस से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. चलो 10th भी अपना हो गया, एग्जाम्पल नंबर हो गया. अभी ऑप्शंस एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस, चलिए ये भी कंप्लीट कर लेते हैं आज. फर्स्ट एग्जाम्पल, सिंपल इंटरेस्ट ऑन 3,500 फॉर 3 years एट 12% पर एनम. ये तो एकदम से सिंपल है. 3,500 इंटू 12% इंटू 3. ओरली कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर सकते हो आप. कितना आएगा आपका इंटरेस्ट? 1260. कैलकुलेट करो. 3,500 इंटू 12 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 100. इट इज कमिंग टू 1260. बेसिकली इट इज प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100. राइट, ये बहुत ही सिंपल था एग्जाम्पल. 1260 आंसर आना चाहिए. सेकेंड, प्रिंसिपल दिया आपको 5,000, रेट दिया हुआ है 15%, टाइम दिया हुआ है 4.5. यूजिंग इंटरेस्ट पीआरटी डिवाइडेड बाय 100, आई विल बी. ये भी वैसे सिंपल एग्जांपल आपको दिया हुआ है. प्रिंसिपल आई इज इक्वल टू पीआरटी डिवाइडेड बाय 100. प्रिंसिपल कितना है? 5,000. रेट कितना है? 15. एंड टाइम दिया हुआ है 4.5, मतलब 4.5. ओके, डिवाइडेड बाय, as you understand now, this 4, 1 by 2 मतलब 0.5 only. so 4 into 4 and 0.5, so that is 4.5. so calculate करो. 5,000
into 15 into 4.5 divided by 100. So it is 337 pi r है. तो आंसर होना चाहिए आपका ए. ओके, सेकंड एग्जांपल हो गया. थर्ड एग्जांपल, प्रिंसिपल 5000, टी 1 दिया हुआ है, इंटरेस्ट अमाउंट दिया है आपको 300. तो यहां पे इंटरेस्ट अमाउंट 300, टाइम 1 ईयर, प्रिंसिपल 5000 है ना. तो आर कैलकुलेट करना है. ऑलरेडी यू नो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू आर इनटू टी डिवाइडेड बाय 100. तो 300 इज इक्वल टू 5000 इनटू आर इनटू 1 डिवाइडेड बाय 100. गाइस, इवन दिस प्रॉब्लम आर अपीयरिंग टू बी सिंपल, बट डू सॉल्व सो दैट आपका कैलकुलेशन के ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा. ओके, सो 300 इनटू 100, 30,000 is equal to 5000 r. So r is equal to 30,000 divided by 5000. So this will be 6. So r is equal to 6% aana chahiye. Kya hai ka apna option 6%, that is option should have been C. Right? So if you want, you can copy paste. Otherwise, in any way, this problem is very, very simple. Diya hua hai sari ke sara information. Chaliye, fourth example. P 4500 and A 7200. तो सिंपल इंटरेस्ट कितना रहेगा? अरे क्या डायरेक्टली आप 7200 माइनस 4500 करो. अमाउंट दिया हुआ है आपको 7200 माइनस 4500, 2700. कहाँ पे आंसर आना चाहिए? डी आपका. ओके, चलिए फिफ्थ एग्जांपल. फिफ्थ एग्जांपल, प्रिंसिपल 12000, अमाउंट 16,500, टाइम पीरियड दिया हुआ है 2.5 ईयर, द रेट ऑफ परसेंट पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट. तो जैसे अपना प्रीवियस प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया था, एक तो आप डायरेक्टली अमाउंट का फॉर्मूला यूज कर सकते हो. अमाउंट दिया हुआ है आपको 16,500, प्रिंसिपल कितना है 12,000, 1 प्लस आर इंटू 2.5 ईयर्स डिवाइडेड बाय 100. तो 12,000 आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओगे तो डिवीजन होगा, इट विल बी 1.375. देन 1 विल टेक ऑन लेफ्ट हैंड साइड, इट विल बी 0.375 is equal to 2.5 r divided by 100. Basically, आप डायरेक्ट खुद से भी सॉल्व करके आंसर चेक कर सकते हो. ओनली थिंग इज दैट एज दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे ऐसे लग रहा था कि बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है सिंपल कैलकुलेशन में भी, इसलिए हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. ठीक है, आई एम सॉल्विंग विथ यू. तो जिन बच्चों को ये सिंपल लगता है, आप डायरेक्टली सारे के सारे एग्जांपल सिंपल इंटरेस्ट के 10 तक सॉल्व करो एंड देन डायरेक्टली चेक विद द आंसर्स. अननेसेसरी डोंट वेस्ट टाइम व्हेन आई एम सॉल्विंग इट इन डिटेल. ओके, तो यहाँ पे ये तो सिंपल एग्जांपल है, आंसर आना चाहिए आपका 15. या हम इंटरेस्ट का भी फॉर्मूला यूज कर सकते थे. यहाँ पे इंटरेस्ट इज अमाउंट 16,500 माइनस प्रिंसिपल, दिस विल बी 4,500. And interest is equal to principal into r into t divided by 100. So 4,500 is equal to 12,000 into r into 2.5 divided by 100. 100 left hand side में जब आएगा तो division होगा. And this 12,000 into 2.5 भी, sorry, 100 जब आएगा left hand side में तो multiplication होगा. You should be getting is 15. So either way, directly अबे आप formula put up कर सकते हो, interest पहले calculate करके interest का formula आप use कर सकते हो. ठीक है, in both the case the answer should be 15. Hope so you have written this. This you can write as method 1. This is method 2. Okay.
चलिए अगर आपने नहीं लिखा हो तो पॉज करके यू कैन राइट इट डाउन. आंसर होना चाहिए इसका ए रिस 50. देन नेक्स्ट प्रिंसिपल दिया है आपको सिक्स प्रॉब्लम का 10,000. इंटरेस्ट दिया हुआ है 2,500. ओके रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12.5% सिंपल इंटरेस्ट. नंबर ऑफ इयर्स टी. यहां पे भी आप देखो तो अमाउंट डबल ट्रिपल कुछ नहीं हो रहा तो शॉर्टकट आप यूज नहीं करोगे. प्रिंसिपल 10,000, इंटरेस्ट 2,500. ये भी एकदम से सिंपल एग्जांपल है. 12.5% टी क्वेश्चन मार्क. So as simple interest has been given, we can apply the formula for simple interest. Principal into R into T divided by 100. So 2,500 is equal to 10,000 into 12.5 into T divided by 100. So basically, T will be equal to 2 years. Right? This was again very, very simple example. Written 2 years, 6 का आंसर 2 years आना चाहिए. आंसर शुड बी बी. ओके राइट. 7 पी 8,500 अमाउंट 10,200 रेट सिंपल इंटरेस्ट ही. ये आप एग्जांपल होमवर्क के लिए लिख 7 राइट. देन 8 सम रिक्वायर्ड टू अर्न अ मंथली इंटरेस्ट ऑफ 1200 एट 18% पर एनम. ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है. आपके क्लास नोट्स में से ये एग्जांपल नंबर 14 है गाइस. दिस वी ऑलरेडी सॉल्व्ड. द 9th सम ऑफ मनी अमाउंट रुपीज 6,200 इन 2 years एंड 7,400 इन 3 years. द प्रिंसिपल एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट ये भी हमने सॉल्व किया हुआ है. ये एग्जांपल नंबर है 16th अपने क्लास नोट्स में से. दिस ऑलरेडी वी हैव सॉल्व्ड. 10th एग्जांपल सिमिलर हमने सॉल्व किया हुआ है. एग्जैक्टली सेम मेरे ख्याल से नहीं सॉल्व किया तो सॉल्व कर लेते हैं हम. Sum of money double itself in 10 years. The number of years it will require for triple. अगर आपको याद हो तो हम in case of double लिखते थे simple interest is equal to principal कितने सालों में 10 सालों में. And in case of triple simple interest was equal to 2p in how many years. So principal यहाँ पे 2 times हुआ है. So time भी 2 times ही होगा. So it will be 20 years. The answer should be 20. ये था एक method जो था simple method. And then second method if you remember जो complicated नहीं कह सकता लेकिन there you are required to solve much more things. First we'll be calculating rate of interest. तो वहाँ पे principal आप assume करोगे 100, amount आप assume करोगे 200. That is double हो रहा है. Time 10 years. तो आप R कैलकुलेट करोगे बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस RT अपॉन 100. तो R आप कैलकुलेट करोगे. दिस विल बी द फर्स्ट वर्किंग. एंड सेकंड वर्किंग आप प्रिंसिपल अज्यूम करोगे 100, अमाउंट अज्यूम करोगे 300 जो कि ट्रिपल हो रहा है. रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी आपने यहां पे कैलकुलेट किया हुआ है तो इसका टाइम कैलकुलेट करना है. अगेन सेम अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस RT अपॉन 100. इस मेथड से आप कैलकुलेट कर सकते हो. क्रॉस चेक करो एज होमवर्क. यहां पे भी आंसर आपका टी 20 इयर्स आ रहा है. ओके सो द आंसर ऑफ 10 शुड बी 20 इयर्स. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड विद द बेसिक सिंपल एग्जांपल्स ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम द स्टडी मॉड्यूल एज वेल. नाउ टुडे वी आर कंक्लूडिंग अर्लियर क्योंकि नेक्स्ट सेशन जो है दैट इज अ कंपाउंड इंटरेस्ट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो हमें डिटेल में डिस्कशन करना है. सो वी आर नॉट स्टार्टिंग टुडे. We'll be starting in the next session. Okay, so next session we are going to start with one of the very important part of this time value of money, which is compound interest. First we'll discuss all the conceptual part, formula part, and then we'll start with the examples. Okay, so we'll continue tomorrow guys. So till then take care. Bye bye. Have a nice time guys.